दोस्तों आज हम बात करेंगे अजमेर शरीफ की और अजमेर शरीफ में जो उर्स मुबारक 2023 मनाए जाएंगे उसी के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो अभी हम पूरी जानकारी लेंगे यहां पर उर्स के बारे में, कब कब कौन कौन से प्रोग्राम रहेंगे, छठी किस दिन रहेगी और किस दिन जो है झंडे की रस्म निभाई जाएगी, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि आपके द्वारा अपने दोस्तों को भी अजमेर शरीफ की पूरी जानकारी मिल सके कि अजमेर शरीफ में कौन सा प्रोग्राम किस दिन रहेगा और छठी कब की पड़ेगी। तो चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ और यहाँ के जो खादिम हैं अजमेर शरीफ दरगाह के कुतुबुद्दीन सकी साहब, उनसे हम बात भी करेंगे और पूरी जानकारी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो आप लगातार इस वीडियो पर बने रहें, वीडियो को आप ज़रा सा स्किप ना करें ताकि आपसे ये जानकारी मिस ना हो जाए। तो चलते हैं आगे और कुतुबुद्दीन सकी जो हमारे दरगाह शरीफ से खादिम हैं उनसे हम जानकारी लेते हैं और उनके मोबाइल नंबर भी हम इस वीडियो में दिखाएंगे ताकि आप उनसे जानकारी ले सकें और अगर आपके कोई खादिम नहीं है तो आप इनसे ज़ारत के वास्ते भी राफ्ता कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ। दरबार ख्वाजा से सैयद कुतुबुद्दीन सकी, आपके चैनल पे तमाम ज़ायरीन ख्वाजा से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि गरीब नवाज की बारगाह में उर्स मुबारक चांद का, रजब का चांद दिखाई देने से शुरू होने वाला है और ये 22 जनवरी से 1 फरवरी तक ख्वाजा साहब का उर्स रहेगा जिसमें लाखों की तादाद में गरीब नवाज की बारगाह में तमाम ज़ायरीन यहाँ पर आके हाज़िरी देंगे। वो सब अपनी अपनी मन्नतों के धागे यहाँ पर खोलते हैं, दरबार में धागे बांधते हैं, लाखों की तादाद में यहाँ पर ज़ायरीन आते हैं, अपनी अपनी मुरादें मांगते हैं, गरीब नवाज की बारगाह से मुरादें पूरी होती हैं। 22 जनवरी को गरीब नवाज की बारगाह में जन्नत दरवाज़ा खोला जाएगा, तमाम ज़ायरीन आकर के यहाँ पर 6 दिन तक तवाफ़ लगाएंगे जिसके अंदर ये 29 जनवरी तक लगातार खुला रहेगा। ज़ायरीन दूर दूर से आते हैं, अपने अपने कोने कोने से, अपने अपने शहर से, अपने अपने गांव से दरबार में हाजिरी देते हैं, सब गरीब नवाज में आके अपनी अपनी मुरादें मांगते हैं, सबकी मुरादें पूरी होती हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में ये उर्स मुबारक लगातार 6 दिन के लिए चलता है जिसके अंदर लाखों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं और बड़े कुल की रस्म इसमें 1 फरवरी को होगी जिसमें ज़ायरीन आकर के पूरी दरगाह को गुलाब जल से धोते हैं। ख्वाजा साहब के दरबार में जितने भी ज़ायरीन आते हैं अपनी अपनी मुरादें मांगते हैं, उन सबकी मुरादें पूरी होती हैं। गरीब नवाज की बारगाह में रोज़ाना यहाँ पर लंगर तकसीम किया जाता है। गरीब नवाज की खास छठी शरीफ जो होगी वो 29 जनवरी को होगी, चांद दिखाई देने पर अगर चांद में फेरबदल होगा तो 30 जनवरी को होगा। तो इस तरह से गरीब नवाज की माना छठी शरीफ हर महीने होती है, उसी तरह से बड़ी छठी शरीफ जो होती है 6 रजब को जिसके अंदर लाखों ज़ायरीन दरबार में आते हैं, गरीब नवाज सेवा समिति की तरफ से यहाँ पे लंगर भी तकसीम किया जाता है। तो गरीब नवाज की बारगाह में जो लोग मुरादें मांगते हैं गरीब नवाज के दरबार में आके शुक्राना अदा करते हैं उनका रहता है। गरीब लोग, किसान लोग बारगाहें गरीब नवाज में जो आते हैं तो अपने गल्ले लेकर के आते हैं, जो किसान लोग होते हैं अपने गल्ले घरों में डालते हैं और वो गल्ले दरबार में ला करके खोलते हैं, उनका सालाना उर्स का रहता है। बरसों से गरीब नवाज की परंपरा चल रही है कि ज़ायरीन अपने गल्लों के पैसे दरबार में लेकर के आते हैं, यहीं पर आके वो अपनी तरफ से दरबार में चादर वगैरह पेश करते हैं, अपने खर्चे करते हैं, जो भी उनको तमाम खर्चे होते हैं। गरीब नवाज के चाहने वाले ख्वाजा साहब की बारगाह से जो मुरादें मांगते हैं उनकी मुरादें पूरी होती है। गरीब नवाज के दरबार में कई लोग यहाँ पर ज़ायरीन पैदल भी आते हैं और पैदल आने वाले ज़ायरीन भी यहाँ पर छड़ियाँ लेके दरबार में पेश करते हैं, उनके सबकी अपनी अपनी एक ख्वाहिश होती है, अपनी अपनी इल्तिजाएँ होती हैं, अपनी अपनी मुरादें पूरी होती हैं। गरीब नवाज के बारगाह में उर्स शरीफ में आने वाले तमाम ज़ायरीनों से हमारी गुजारिश है कि वो अपने अपने दरबार में जो दुआगो हैं, जो उनके वकील हैं, उनसे राब्ता कायम करें ताकि उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। लाखों की तादाद में यहाँ पर ज़ायरीन आते हैं, अगर किसी से किसी का राब्ता कायम नहीं है तो वो मुझे दरबार ख्वाजा में सैयद कुतुबुद्दीन सकी से राब्ता कायम कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, उससे आप बता सकते हैं। कोई दरबार में इंतज़ाम करने के लिए रहे तो आप मुझे उर्स शरीफ का बता सकते हैं, क्योंकि लाखों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं, परिवार आते हैं, बच्चे आते हैं, सबको परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए सब यहाँ पे गरीब नवाज की बारगाह में हम सब दुआगो जितने भी हैं आप लोगों के लिए दुआएं करते हैं कि गरीब नवाज आप सबकी मुरादों को पूरी करें। मैं दरबार ख्वाजा से सैयद कुतुबुद्दीन सकी।